बे जल्दी करो कहीं शादी खत्म ही ना हो जाए। अरे एक बाइक पे दो बंदे बैठते हैं, तुम इतने सारे बैठ के कहाँ जा रहे हो? सेठ ठोठे खां की आज शादी है। वाह, वहाँ तो खाने के लिए बड़ी बड़ी डिशेज होंगी, मुझे भी साथ ले चलो। बैठे बाइक पर इतने बंदे नहीं जा सकते। इसे छोड़ पैदल चलते हैं कहीं शादी खत्म ही ना हो जाए। भागो। कोई आगे ना जा। क्यों? अक्कल के अंधे तुझे नजर नहीं आता, सामने दल दल है। दल दल कहाँ, ये कीचड़ है, सामने जाके पाँव धो लेंगे। Oh no. सुन भाई, ये सच में दल दल है, हम आगे नहीं चलते, फंस जाएंगे। ठीक कहा तूने, एक प्लेट सालन के लिए कौन इतनी मेहनत करे, चलो हम घर चलते हैं। ये तो सच में दाल दाल थी। तू हमें हर बार कहीं ना कहीं फंसा देता है। जोर लगाओ सालो, आगे मटन बिरयानी, कोफ्ते, पुलाव। अबे सालो, जाने का रास्ता वो था। उस्ताद तू तो खाने का सुन के अंधा ही हो गया, तुझे तो सही रास्ते का पता ही नहीं चला। अगर तूने सेठ ठोठा की शादी के इंतजाम देखे होते ना, तो आज तू भी अंधा हो जाता। सामने ट्यूबवेल है, चल के नहा लेते हैं। इस हालत में तो शादी वाले अंदर इंटर ही नहीं होने देंगे। चलो। कहाँ मर गए सब बस्ती वाले, एक बंदा भी नजर नहीं आ रहा। बे मुंह क्या देख रहे हो, कुछ तो बोलो। मैं भी अभी आया हूँ, मुझे क्या पता कहाँ गए, शादी की खबर भी तुमने दी थी। खबर तो पक्की है, लेकिन जो शादियों में शोर शराबा है, यहाँ वो नजर नहीं आ रहा, खामोशी सी छाई हुई है। खामोशी इसलिए है, अंदर खाना चल रहा होगा, सारे खाना खाने में मसरूफ होंगे। उस्ताद जल्दी दरवाजा खटखटा। अंदर कहाँ? भैया खाना खाने। कौन सा खाना खाने? आज आपकी शादी है ना? किसने कहा हमारी शादी है? शब्बू पकवान ने बताया कि सेठ ठोठा के लिए मैं देगे पका रहा हूँ, जाहिर सी बात है शादी ही होगी ना। शादी कहाँ, हमारे तो फौत की हो चुकी है, उसके लिए खाने का इंतजाम कर रहे थे। सेठ सुन के अफसोस हुआ, चलो जो खैरात का खाना है हमें भी खिलाओ। वो खाना सिर्फ हम अपने रिश्तेदारों को देंगे। हम भी तो आपके रिश्तेदार हैं ना। कहाँ के रिश्तेदार, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। हम आपके मरहूम दादाजी के रिश्तेदार हैं। दादा नहीं, दादी थी। हाँ दादी, यकीन करें बड़ी अच्छी थी वो, जब भी हम आते ना हमारे इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे आ जाती थी। वो तो चल ही नहीं सकती थी। यकीन करें बड़ा प्यार करती थी, हमारे सर पे हाथ फेरती थी। उसके हाथ थे ही नहीं। वो मुझे अपना बेटा कह के बुलाती थी। अरे वो तो गूंगी थी। हमारी आवाज सुन के दादी जी बड़ा खुश होती थी। अरे वो तो बहरी थी। अबे साला तुम्हारी दादी में कुछ बच्चा भी था। काली बंदूक ला।